पहले उंगली माथे पर शेष तीन उंगली आंखों पर कान अंगूठे से बदमुख भी बंद ओंकार का नाद नासिका से होगा। ब्राह्मी प्राणायाम फिर उद्गीत और ओंकार ध्यान करते हुए आइए योग की पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास, प्राणों के साथ प्रणव ओंकार का ध्यान, प्रभु के साथ एकाकार हो जाएंगे। चित्त प्रसन्न चित्त एकाग्र चित्त होकर के प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, ध्यान के सोपान हमें निरंतर चढ़ते जाना है। प्रथम प्राणों के साथ एकाग्र होकर के प्राणों की गति को दीर्घ और सूक्ष्म करते हुए 16 से 8 श्वास हो जाते हैं। सामान्य जीवन में लगभग 16 श्वास, योग में जब कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं तो 8, 4, 2 और धीरे धीरे 1 तक पहुंच जाते हैं। फिर प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान, तस्य वाचः प्रणवः तद्जपस्तदर्थः भावनः।
भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक अर्थ भावना पूर्वक ओंकार ध्यान करना। सभी हमारे महापुरुष पूर्वज ऋषि मुनि ओंकार ध्यान करते थे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा ओम इति काक्षरम ब्रह्म ओम तत्सत। प्रभो आपसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, आप में ही सब कुछ आश्रित है और आप में ही सब कुछ अंततः विलीन होता है। यतो वायमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। प्रभु आप अनंत गुण कर्म स्वभाव युक्त हैं, आप अनादि हैं अनंत हैं, जगत करता है सृष्टि करता है, आप ही ब्रह्मांड हैं स्वयं ब्रह्म है। आपके विश्वमय विश्वातीत रूप को सदा अनुभव करूं प्रभु, ऐसी भक्ति दो, शक्ति दो, सामर्थ्य दो, अनुग्रह कृपा करो, आशीष दो प्रभु। हे नाथ हे नारायण, मैं तुझे भूलू नहीं, तेरे अंग संग जीवूं सदा, ऐसे भगवान की स्तुति और प्रार्थना। प्रभु बस आप ही मुझ में बस जाओ। यदंग आशसे तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि तभी तत् सत्यम अंगिरह। प्रभु आपके आश्रय में रहूं और यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाग्घा स्याहम स्युष्टि सत्यः इहाशिष। वेद में प्रार्थना की गई कि प्रभु मैं तू हो जाऊं और तू मुझ में पूरी तरह से उतर जा, घटित हो जा, प्रत्यक्ष हो जाए। मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जाए और तेरे आशीष मुझ में पूरे प्रकट हो जाए। यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाघ श्याहम सृष्टि सत्या इहाशिष। और जब हम प्रभु मैं हो जाते हैं और प्रभु हम में पूरी तरह उतर जाते हैं तो फिर उपासना घटित होती है। ऐसे ओंकार ध्यान को स्तुति प्रार्थना उपासना पूर्वक करना, दोनों हाथों को प्रथाना आपस में करना, दोनों हाथों को आपको प्रथ लेना, ऐसे ओंकार ध्यान करना है प्रतिदिन।